नमस्कार, फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और नए स्वास्थ्य टॉपिक को लेकर के हाजिर हुए हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ, गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में बड़ों को, बच्चों को, लगभग सभी को एक रोग होता है, नाक से खून आना, नकसीर। आज नकसीर आने के कारण आज हमारा खान पान है पित्त का बढ़ जाना, गर्मी का बढ़ जाना। गर्मी के कारण ये रोग होता है। तो सबसे पहले इस रोग को रोकने के लिए आप अपने खान पान को सुधारें, फास्ट फूड अवॉइड करें, पित्त वृद्धि करने वाली तली भुनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, उनको अवॉइड करें। अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा। और पित्त को शमन करने वाली हमें औषधियाँ और प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। इस रोग के लिए जब भी ये रोग होता है तो सबसे पहले हमें अपने सिर पर ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि खून तुरंत बंद हो जाए, और नाक के अंदर पीपल के पत्तों का रस आप 5-7 बूंद इस नाक में 5-7 बूंद इस नाक में डाल दें, तुरंत खून बंद हो जाएगा। उसके बाद आप शीशम के पत्ते 5-7 पत्ते शीशम के चबा करके आप खाली पेट ले लें। बच्चों को अगर पत्ते अच्छे वैसे नहीं लगते तो आप उनको सिट्टा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसमें शरबत बना करके दे दें। बड़े लोग भी शरबत ले सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो मीठा ना लें। इसके लिए एक प्राणायाम बहुत ही कारगर है, शीतली प्राणायाम। आइए हम करके दिखाते हैं। जीभ को नालीनुमा जीभ निकाल करके ये था शीतली, 10 से 20 बार इसको करें, तुरंत ठंडक मिल जाएगी। शीतली के बाद आप शीतकारी भी कर सकते हैं, प्राणायाम शीतकारी। दांतों को दबा करके दांतों में से श्वास को भरते हुए और फिर नाक से श्वास को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार अपने खान पान को सुधार करके, तो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा, एक और नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।